कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे फ्रेंड। सुबह का टाइम हो चुका है, 8 बज रहा है फ्रेंड। तो हमारा झाड़ू पोछा सब काम हो गया, नहाना, और हम पूजा करने जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, सूर्य भगवान को आज संडे है तो हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड, हमने सूर्य भगवान को जल दे चुके हैं और अब आ गए हैं अपने मंदिर में। मंदिर की साफ सफाई हमने कर लिया है, अब हम दीप जला रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मगौड़ी नाश्ते में। तो जैसे हमने दो कटोरी मूंग की दाल लिया और एक कटोरी है उड़द की दाल, एक कटोरी चने की दाल। हमने रात में इसको भिगो दिया था और हमने अभी इसको पीस के रख लिया है। और इसमें हमने फ्रेंड मिलाया, आपको पास से हम दिखाते हैं फ्रेंड, इसमें हमने मिलाया है काली मिर्च 10 दाना, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च। हमने इसको पीस के पेस्ट बना के हमने डाल दिया है और ये हमने डाल दिया हरी धनिया इसके बाद। और फिर थोड़ा सा फ्रेंड इसमें हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला फ्रेंड हम ले रहे हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी पाउडर हम डाल रहे हैं। आपको जैसे ज़्यादा तीखा नहीं खाना फ्रेंड तो ना डालिएगा। और स्वाद अनुसार फ्रेंड इसमें नमक ऐड कर लेंगे और हमने इसके लिए चटनी फ्रेंड बनाया है। लहसुन लिया है, धनिया पत्ती और टमाटर लिया है। थोड़ा सा कच्चे टाइम में टमाटर रहता है फ्रेंड तो काफ़ी अच्छी चटनी की टेस्ट अच्छा बनता है। जैसे हमने आपको पास से दिखा रहे हैं, ये हमने ये लिया है टमाटर, इसकी चटनी हम बनाते हैं पहले फ्रेंड। इसकी चटनी बना के रख लेंगे। ये हम तेल इसमें डाल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड और इसको हम मिक्स कर रहे हैं, जो मूंग के लिए हमने दाल बनाया था पेस्ट, इसको सभी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट इसकी मंगौड़ी बनती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में और आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो आज हम नाश्ते में फ्रेंड यही बना रहे हैं, मंगौड़ी और चटनी, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को आज जाना है दोस्तों की पार्टी में, तो बच्चे हमारे घर पे रहेंगे नहीं, तो नाश्ते में हम यही बना रहे हैं। जैसे हमारा तेल गरम हो चुका है फ्रेंड, इसके ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालते हैं, मंगौड़ी ऐसे ही डालते हैं फ्रेंड। ये देखिए आप, तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि मेरी मंगौड़ी तल रही है तो एक लाइक तो बनती है फ्रेंड, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आप बताइए कि हमारे मंगौड़ी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड बताइए आप लोग, जैसे देखिए फ्रेंड पकौड़ी मंगौड़ी हमारी अच्छा कलर आ गया है। इसको थोड़ा सा मध्य में ही हल्का सा मध्धा करना पड़ता है ताकि कुरकुराहट जो है इसकी है वो बनी रहे। ये देखिए, और भी आपको हम तल के दिखाते हैं फ्रेंड, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।
ये और भी आपको हम ऐसे डाल के दिखा रहे हैं। सुबह का टाइम है फ्रेंड, बहुत सारे घर में काम रहते हैं, हमने फटाफट काम को सब सिमटाया और नाश्ते में हम मंगौड़ी और चटनी बना रहे हैं। आप हमारे वीडियो के साथ बने देखिए फ्रेंड, ये हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं मंगौड़ी को। ये मंगौड़ी को निकाल लिया फ्रेंड, गैस ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए मंगौड़ी और ये है चटनी। आप भी ट्राई करिएगा एक बार जरूर, देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है मंगौड़ी। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी कुरकुरा, बिल्कुल अच्छा लगता है खाने में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। फ्रेंड हम भी अच्छे हैं। मैं प्रिया अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे आप लोग भी, हम भी अच्छे हैं। तो आज हमने नाश्ते में फ्रेंड बनाया मंगौड़ी और चटनी। तो फ्रेंड आप बताइएगा हमारी मंगौड़ी चटनी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक किया करो फ्रेंड और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करिए। और चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो फ्रेंड। और आप लोग के सपोर्ट के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। मेहनत हमारा फ्रेंड, सपोर्ट आपका, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे बढ़ें फ्रेंड। और आपकी सपोर्ट के लिए हम लोग बहुत ही अधूरे से हैं, ये सोच लीजिए फ्रेंड आप। और फ्रेंड सुबह का हमारा सारा रूटीन का काम सिमट चुका है, कर चुके हैं हम, तो हमारा बस यही नाश्ता बना है फ्रेंड। और फ्रेंड बताइए कि हमारा नाश्ता आप लोग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट प्लीज़ किया करो फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो हम यही बंद करते हैं, कल फिर एक नई वीडियो के साथ प्रिया आपसे मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करो फ्रेंड। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ कुछ नए लेकर। जब तक के लिए बाय फ्रेंड।